साहित्य और संस्कृति और एक नई सोच के साथ इस मंच पर मैं अपने सभी साथियों का और सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का ये दौर है बड़ा ही संकट का दौर है। आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन परिस्थितियों पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं है। हम अपनी आँखों से आज कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। जो समाचार पत्र हमको दिखाते हैं, जो टीवी और सोशल मीडिया हमको दिखाती है, उसी को आज हम लोग सत्य मान रहे हैं। इससे कभी असहाय, इससे पहले आज कभी मनुष्य नहीं था। इसलिए आज का यह दौर एक ऐसे गहरे चिंतन का दौर है, सोचने समझने का दौर है, ताकि हम लोग लगातार आदिम सभ्यता से लेकर आज तक हम लोगों ने जितनी भी संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों को बचाने का समय है। आज हम लोगों ने अपने बुद्धि से, विज्ञान से चांद पर तो वो जरूर पहुंच गए, लेकिन दीवार के उस पार बैठे रहने वाले, खांसते रहने वाले कमज़ोर पीड़ित पड़ोसी के पास हम लोग आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज किसी शायर ने कहा भी है कि चांद पर रहता हुआ देखा गया है आदमी, जख्म सा बहता हुआ देखा गया है आदमी, आदमी में आदमी की बात कुछ दिखती नहीं, इस तरह रहता हुआ देखा गया है आदमी। साथियों, आज हम लोग बुद्धि और विज्ञान के सहारे चांद पर तो जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अपने बीमार पड़ोसी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज ज़रूरत है हम लोगों को कि हम लोग अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। और किसी ने कहा भी है कि सेव आवर सोल, हमें अपनी आत्मा को बचाने की ज़रूरत है। और उसी आत्मा के बचाने के बहाने हमें पड़ोसी, जो दीवार के उस पार रहने वाले पड़ोसी के पास जाना चाहिए, अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना चाहिए, अपने बीमार पड़ोसी के पास जाना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लें तो मैं समझता हूँ कि आज का ये दौर है, उस दौर पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज अदा कर सकते हैं। और रही बात जहाँ तक हमारे पुराने गौरवशाली परंपरा की, तो हमारा ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, राम और कृष्ण का देश रहा है, एक ऐसे बड़े बड़े साधु संतों का देश रहा है, बुद्ध और गांधी का देश रहा है, जहाँ से कभी अहिंसा की, सत्य की और उसके बाद अपरिग्रह की गंगा यहाँ पर बहती रही है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का इस मंच पर स्वागत करता हूँ और इसी तरह से एक नई सोच के साथ, नई बात के साथ और नई परिभाषा, जीवन की परिभाषा लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तरह तरह की नई नई कविताओं पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और जहाँ तक रही कि जब मनुष्य का जन्म हुआ उसी समय से कविता का जन्म माना जाता है, कहा जाता है कि कविता की सबसे पहली शुरुआत माँ ने अपनी लोरी से की थी। इसलिए किसी शायर ने कहा भी है कि जब तक जीवित है माँ और उसकी लोरी, जब तक जीवित है माँ और उसकी लोरी, बादल में है बारिश, जीवित रहेगी कविता। तो कहने का तात्पर्य है कि कविता और जीवन दोनों का आपस में संबंध है। और इस तरह के तमाम जीवनागत संबंधों के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे और इसी तरह से अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल ने भी एक जगह कहा है कि हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार उठा हूँ मैं गिर गिर कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।